So hello students, this is Parag Desle and you are watching both Nidhi. I welcome you all in this lecture series on engineering graphics. In the previous sessions, we have seen conics. We started with ellipse, then we drawn parabola, and in the previous session, we have seen how to draw hyperbola. Now in the today's session, we are going to discuss helix. So helix are of two types: the helix of a cone and helix of a cylinder. Okay, so let us begin. सो नाउ विल स्टार्ट आई डिस्कस व्हाट इज हेलिक्स ऑफ सिलेंडर हेलिक्स ऑफ सिलेंडर मतलब क्या कि हमें एक सिलेंडर चाहिए सिलेंडर आपको पता होगा क्या होता है इस तरह से अगर एक किसी सर्कल को मैं एक पर्टिकुलर हाइट के लिए रिपीट करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ किसी सर्कल को तो मुझे क्या देता है सिलेंडर देता है ठीक है तो इस सिलेंडर के ऊपर कोई एक पॉइंट रखूंगा मैं और उस पॉइंट को उसके सरफेस के ऊपर अगर मैं घुमाता हूँ तो कुछ कर्व तैयार होता है उस कर्व को हम हेलिक्स बोलते हैं तो कैसे घुमाना है फॉर एग्जाम्पल नाउ वी कैन सी दिस सिलेंडर इस सिलेंडर के ऊपर हमें एक पॉइंट को सरफेस के ऊपर घुमाना है तो कैसे घुमाएंगे समझो मैं उसके बॉटम से स्टार्ट करता हूं यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिया ठीक है ये पॉइंट कहाँ पे है सबसे बॉटम में है सबसे बॉटम के पेरीफेरी के ऊपर है अब मैं इसे क्या करने वाला हूँ मूव करने वाला हूँ कैसे मूव कर रहा हूँ देखो मैं कुछ डिस्टेंस ऊपर जा रहा हूं कुछ डिस्टेंस क्या कर रहा हूं ऊपर जा रहा हूं और कुछ डिस्टेंस उसके पेरीफेरी के अलांग जा रहा हूं अलॉन्ग इट्स सरकमफरेंस अलॉन्ग इट पेरीमीटर तो मैं यहां पर पहुंच रहा हूं तो आपको ये पॉइंट दिख रहा है तो ये पॉइंट मुझे कैसे मिला है मैं यहाँ से वर्टिकली कुछ डिस्टेंस गया कुछ यूनिट्स ऊपर गया और उसके बाद में पेरी अलॉन्ग पेरीफरी अलॉन्ग पेरीफरी मतलब अलॉन्ग सरफेस अलॉन्ग दी सरकमफरेंस पेरीमीटर इसके अलॉन्ग में अगर मूव करता हूँ तो उसका अलॉन्ग पेरीफरी बोलूंगा मैं और अलॉन्ग एक्सिस मूव करता हूँ तो अलॉन्ग वर्टिकल डिस्टेंस बोल लो या अलॉन्ग एक्सिस बोल लो या मैं सीधा ऊपर जा रहा हूँ इस तरह से बात करूँगा तो मैंने क्या किया अभी कुछ डिस्टेंस में वर्टिकली अपवर्ड गया अलॉन्ग एक्सिस गया और कुछ डिस्टेंस में पेरीफेरी में मूव आ तो मुझे ये पॉइंट मिला अभी यहाँ से भी फिर से मैं क्या करता हूँ फिर से थोड़ा ऊपर जाता हूँ फिर से थोड़ा ऊपर गया मैं और फिर अलॉन्ग पेरीफेरी आगे जा रहा हूं तो फिर से मुझे एक दूसरा पॉइंट मिला कैन यू सी दिस तो अब हम दूसरे पॉइंट तक आ चुके हैं ठीक है अब मैं यहाँ से फिर से क्या करूँगा एक्सेली ऊपर जाऊँगा कुछ डिस्टेंस और फिर से अलॉन्ग पेरीफेरी अलॉन्ग पेरीमीटर यहाँ पर मूव होगा यही प्रोसेस अगर मैं रिपीट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है ऊपर जा रहा हूं अलॉन्ग पेरीफरी आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट मिल गया ऊपर गया अलॉन्ग पेरी फेरी आगे गया नेक्स्ट पॉइंट मिल गया ऊपर गया अलॉन्ग पेरी फेरी आगे गया नेक्स्ट पॉइंट मिल गया ऊपर गया अलॉन्ग पेरीफेरी आगे नेक्स्ट पॉइंट फिर से ऊपर गया अलॉन्ग पेरी फेरी आगे नेक्स्ट पॉइंट और सबसे ऊपर वाले पॉइंट तक मैं भी पहुंच गया ठीक है तो मैंने जिस पॉइंट से समझो ये पहला पॉइंट पॉइंट था था हमारा तो तो से मैंने स्टार्ट किया था, तो उसी पॉइंट के वर्टिकली ऊपर वाले पॉइंट तक मैं गया सबसे ऊपर वाले पॉइंट तो यहां से स्टार्ट किया था इस तरह से आगे बढ़ा और यहां तक पहुंच गया तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो आपको क्या दिखेगा देखो एक कर दिखेगा कैन यू नोटिस इन सारे पॉइंट्स को मैं आपके सामने ज्वाइन कर रहा हूं इस तरह से। कहा तक पहुंच गया मैं ऊपर तक पहुंच गया और ये जो कर मिला है मुझे अभी यहां से मैंने स्टार्ट किया इस तरह से राउंड घूम के ऊपर जा रहा है और ये पॉइंट वा, वाले यहाँ वाले पॉइंट तक मैं फिर से पहुंच गया तो इस कर को बोलते हैं हेलिक्स तो कहां से स्टार्ट हुआ था यहां से स्टार्ट हुआ था पाथ कैसे ट्रेस किया है पॉइंट का पॉइंट कैसे मूव हुआ है दो डायरेक्शन में पॉइंट साइमल्टेनियसली मूव हुआ है एक मतलब वर्टिकली एक्सिस के अलोंग मूव मूव हो रहा है और दूसरा वो अलॉन्ग सरकमफरस भी मूव हो रहा है ये दोनों मूवमेंट uh, अगर वो साथ में करता है तो ये पाथ ट्रेस होगा सही है एंड दिस इज कॉल्ड एज हेलिक्स ऑफ ऑफिस सिलेंडर अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ उसको तो कैसे दिखेगा देखो लाइक दिस ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था उसको समझो ये मेरा पहला पॉइंट था तो ये इस तरह से मूव होके फिर ऊपर गया फिर ऊपर जा अब ये कंटिन्यू चलता चलता रहेगा मैंने आपको जो दिखाया वो क्या दिखाया यहां से मैंने स्टार्ट किया था और मैं यहां तक पहुंचा था मेरा सिलेंडर हाइट खत्म हो गया था तो मैंने जो सिलेंडर लिया था इतना ही लिया था यहां से स्टार्ट किया यहाँ तक खत्म हो गया मतलब मैंने एक रिवॉल्यूशन पूरा किया था तो इस कर को हम हेलिक्स हेलिकॉपे सिलेंडर बोलते हैं ठीक है तो उसी तरह से अगर मैं ये सेम प्रोसेस अगर किसी कोन के ऊपर करता हूं तो उसे बोलेंगे हेलिक्स ऑफ ए कोन तो हेलिक्स ऑफ ए कोन कैसे दिखेगा लेट से दिस इज अ कोन सेम प्रोसेस करना है यहां से मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं अलोंग जनरेटर ऊपर मतलब अलॉन्ग एक्सिस वर्टिकली अपवर्ड चढ़ूंगा यहाँ पे तीन डायरेक्शन में मोशन हो रहा है देखो अभी इसमें क्या हो रहा है पॉइंट को वर्टिकली अपवर्ड भी मूव करना है पॉइंट को अलॉन्ग पेरीफेरी भी मूव करना है और पॉइंट अलॉन्ग रेडियस भी अंदर घुसेगा क्योंकि ये सरफेस वर्टिकल नहीं है ये सरफेस ऐसा वर्टिकल नहीं है तो अलॉन्ग रेडियली रेडियल अलॉन्ग रेडियल भी अंदर जाएगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये सरफेस अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है रेडियस जीरो होते जा रहा है कम होते जा रहा है तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया जीरो हो गया मतलब ये जो मोवमेंट है कौन के ऊपर तीन मोवमेंट्स साइमल्टेनियसली चलती है ऑन द अदर हैंड सिलेंडर के ऊपर दो ही मूवमेंट थी एक वर्टिकल थी और दूसरी थी सरकमफरेंशियल ये दो मूवमेंट होने के बाद आपको सिलेंडर का हेलिक्स मिल जाता है लेकिन कॉन का हेलिक्स मिलने के लिए क्या करना पड़ता है तीन डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली मोशन चलता है देखो कैसे पहला मोशन तो फेरी के अलाग चलेगा मतलब अलॉन्ग सर्कम्फरेंस मूव होगा दूसरा अलोंग ऊपर जाना है तो अलॉन्ग वर्टिकली अपवर्ड भी जाएगा लेकिन ये वर्टिकली अपवर्ड एग्जैक्टली नहीं जा रहा है ये जनरेटर को फॉलो कर रहा है मतलब ये वर्टिकली अपवर्ड भी जा रहा है और अंदर भी घुस रहा है सेंटर के नजदीक जा रहा है तो इस तरह से जब पॉइंट मूव होगा तो ये इस तरह से रोटेट करके ऊपर तक पहुंच जाएगा और ये जो कर्व बनेगा इसे बोलते हैं हेलिक्स ऑफ ए कोन तो इसको मैं ड्रॉ करता हूं दिस इज हेलिक्स ऑफ ए कोन तो इसमें मैंने बहुत सारे कॉनोल्यूशन या रिवोल्यूशन दिखाए हैं मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ते 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 वो ऊपर चढ़ गया तो इस तरह से उसने बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स कवर करके वो ऊपर चढ़ा है यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है दो तीन है दो ढाई टर्न्स करके वो ऊपर तक पहुंचने वाला है तो अभी आप इसमें एक चीज नोटिस किया होगा कि ये जब यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और पूरा थ्री सिक्सटी घूम के आता है तो फिर से वही वर्टिकल प्रोफाइल पे आ जाता है तो जब थ्री सिक्सटी डिग्री एंगल कवर करता है तब वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो वो एक रिवॉल्यूशन में जितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है उसे पिच बोला जाता है उसे क्या बोला जाता है पिच बोला जाता है यहाँ पे भी देखो समझो तो उसने यहां से स्टार्ट किया है तो ऊपर चढ़ना शुरू किया तो घूम के फिर से वहां पे आया तो ये जो डिस्टेंस वर्टिकली उसने ट्रैवल किया उसे पिच बोलते हैं सो so, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो वर्टिकली कितना ऊपर चढ़ा उसे पिच बोला जाता है जैसे यहाँ पे देखो हम तो जो यहाँ से उसने शुरू किया है तो इस तरह से ऊपर जा रहा है ऊपर जाके एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गया तो ये उसका क्या हो गया इस हेलिक्स का क्या हो गया ये पिच हो गया तो ये पिच कम ज्यादा हो सकता है पिच अगर ज्यादा है मतलब क्या वो एक ही रिवोल्यूशन में वर्टिकल डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहा है पिच कम है मतलब क्या वो एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद भी उतना डिस्टेंस ऊपर चढ़ा नहीं है मतलब पिच उसका पिच उसका क्या है छोटा है तो इस अलग अलग पिचेस के हेलिक्स होते हैं जैसे दिखाने के लिए बताता हूँ जैसे ये देखो ये दो सिलेंडर्स आप देख पा रहे हो अभी सामने से आपको ये जो हेलिक्स दिख रहे होंगे वो थोड़े बहुत सेम ही दिख रहे होंगे लेकिन इसको ठीक से ऑब्जर्व करो अगर ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं देखो अभी ये दोनों के पॉइंट कहाँ से बॉटम से स्टार्ट हो रहे हैं ये दोनों को मैं रोटेट कर रहा हूं अभी वन रोट ये कन्वोल्यूशन कंप्लीट होते होते क्या होगा देखो देखो एक एक कन्वोल्यूशन कंप्लीट हो गया अभी ये ये वाला कवर जो है वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं किया ये वाला ज्यादा डिस्टेंस कवर किया मतलब इसका पिच ज्यादा है देख रहे हो ऊपर तक पहुंच गया लेकिन ये वाला पॉइंट यहाँ तक ही पहुंचा है तो इसका पिच कितना है इसका इतना ही पिच है इसका पिच क्या है बड़ा है तो पिच क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है सिलेंडर की लेंथ कुछ भी रहने दो जितना वो वर्टिकली फास्ट मूव करेगा जितना ज्यादा मूव करेगा उतना उसका पिच बड़ा रहेगा जितना स्लो मूव करेगा उतना उसका पिच कम रहेगा ठीक है तो जैसे मैं अगर एक पिच का एक पिच का सिलेंडर का हेलिक्स और कोन का हेलिक्स अगर ड्रॉ करता हूं तो कैसे दिखेगा दीज आर दी हेलिक्स ऑफ सिंगल पिच मतलब क्या यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे खत्म हो गया पूरा एक रिवॉल्यूशन होने तक तो ये पिच हो गया इसका तो ये जो मैंने सिलेंडर दिखाया अभी ये जो हेलिक्स है इसमें हाइट जो है सिलेंडर का वो हाइट और पिच दोनों सेम ही है एक्सिस हाइट और पिच दोनों सेम है भी देखो यहां से स्टार्ट कर रहा है यहां पे खत्म हो रहा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद तो ये इसका पिच हो गया सो लेट अस सी नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द हेलिक्स देयर देयर आर आर एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस यू माइट हैव सीन यू मे बी नोइंग अबाउट डीएनए स्ट्रैंड ह्यूमन डीएनए होता है हमारे बॉडी में हमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा उसका जो डीएनए स्ट्रैंड होता है वो हेलिकल होता है डबल हेलिक्स होता है एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड ठीक है आपने थ्रेड देखे होंगे नट बोल्ड्स के ऊपर थ्रेड जो होते हैं वो हेलीकल होते हैं तो ड्रिल बिट भी हेलिकल कटिंग किया होता है उसके सरफेस के ऊपर कोई भी स्प्रिंग देख लो आप वो हेलिकल होती है आपने सी शेल देखे होंगे स्नेल जो होते हैं समुद्र में उनका शेल जो होता है वो कोनिकल हेलिक्स होता है वहां पे हेलिक्स ऑफ ए कोन ठीक है सो दीज आर दी नंबर ऑफ एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यू कैन सी वेयर दी हेलिक्स कैन बी ऑब्जर्व सो नाउ लेटेस्ट सी हाउ टू ड्रॉ ऑफ हेलिकॉप सिलेंडर तो अभी मैंने ये ये डायग्राम आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इसमें क्या किया है ये पहला डायग्राम जो थ्री है थ्री डायमेंशनल डायग्राम दिख है इसलिए वो हेलिक्स ऐसे दिखेगा ठीक है ये भी थ्री डायमेंशनल डायग्राम है हेलिक्स इस तरह से दिख रहा है लेकिन इस डायग्राम में देख रहे हो आप तो ये फ्रंट व्यू है ठीक है ना ये फ्रंट व्यू में हेलिक्स इस तरह से दिखता है और कौन का फ्रंट व्यू में हेलिक्स इस तरह से दिखता है तो आप जब आंसर कंप्लीट कर लोगे आपका ड्राइंग कंप्लीट कर लोगे तो हेलिक्स आपको इस तरह से दिखना चाहिए ठीक है और कौन का हेलिक्स इस तरह से दिखना चाहिए तो ये ड्राइंग कैसे बनाना है इसके लिए क्या लगेगा फिर सिलेंडर का हमें फ्रंट यू लगेगा कोई भी सिलेंडर ले लो उसका फ्रंट यू क्या आता है रेक्टेंगल आता है सिलेंडर का फ्रंट यू क्या आता है आप देख पा रहे हो गे. ये लाइन ये लाइन ये लाइन और ये लाइन क्या बनाते हैं रेक्टेंगल बनाते हैं ठीक है सिलेंडर का टॉप यू अगर देखता हूं मैं ऊपर से देखता हूं तो क्या दिखता है हमें सर्कल दिखता है तो इसका अगर टॉप यू में नीचे निकालूंगा तो यहां पे क्या आएगा मुझे सर्कल दिखेगा ठीक है तो पहला स्टेप हमारा ड्राइंग मेथड में यही रहेगा कि हमें सिलेंडर का टॉप यू निकालना पड़ेगा सर्कल और सिलेंडर का फ्रंट यू निकालना पड़ेगा फ्रंट मतलब फ्रंट से देखा हुआ टॉप मतलब ऊपर से देखा हुआ उसी तरह से के कोन के बारे में क्या दिखेगा कौन का फ्रंट व्यू क्या रहेगा इस तरह से ट्राइंगल दिखेगा कौन का फ्रंट व्यू क्या है ट्राइंगल है और कोन को ऊपर से देखूंगा तो क्या दिखेगा सर्कल ही दिखेगा ठीक है तो सिलेंडर का अगर हमें हेलिक्स लिख ड्रॉ करना है तो हमारा पहला स्टेप रहेगा उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है तो हम शुरू कहां से करते हैं हम टॉप व्यू से शुरू करते हैं टॉप व्यू कहाँ ड्रॉ किया जाता है वो फर्स्ट मतलब यहाँ नीचे ड्रॉ किया जाता है ये हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जब पढ़ेंगे तो हम फर्स्ट एंगल मेथड क्या होता है फ्रंट व्यू क्या होता है टॉप व्यू क्या होता है उस टाइम पे मैं इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा अभी वो उतना समझेगा नहीं ये चीज लेकिन अभी इतना फिलहाल याद रखो इतना समझ लो कि हमें फ्रंट व्यू जो दिख रहा है वो ऊपर ड्रॉ करेंगे उसको ऊपर टॉप व्यू से जो देखेंगे वो नीचे करेंगे मतलब हमारा सर्कल हमारा इस तरह से हमारा सिलेंडर का फ्रंट व्यू आएगा ठीक है ये एक्सेस हो गया तो इस एक्सेस को हम नीचे प्रोजेक्ट कर लेते हैं और ये सेंटर लेके ये रेडियस लेके इस तरह से हम सिलेंडर का टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं तो ये स्टेप बनाना मतलब हमारा पहला स्टेप रहेगा सिलेंडर का हेलिक्स बनाने के लिए बाद में क्या करने वाले हम बाद में इस तरह से हेलिक्स बनाने वाले तो ये हमारा फाइनल स्टेप इस तरह से आएगा ठीक है ना तो ये हमारा आंसर है इतना ही करना है अभी लेकिन ये करने के लिए क्या क्या स्टेप, पहला स्टेप मैंने बोला पहले ये पॉइंट से शुरू करेंगे सर्कल ड्रॉ करेंगे ऊपर फिर सिलेंडर ड्रॉ करेंगे और फिर मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ ठीक है तो इसको ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूं अभी क्वेश्चन लेके ही पढ़ाता हूँ विद दिस क्वेश्चन इट्स क्या बोल रहा है देखो ड्रॉ हेलिक्स ऑफ वन कॉन्वल्यूशन अराउंड सिलेंडर अभी क्या बोला है सिलेंडर का हेलिक्स क्लियरली बोल दिया है कि सिलेंडर का हेलिक्स ड्रॉ करना है सिलेंडर इज हाउ मच वन जीरो सिक्स एम एम एंड पिच इज नाइनटी सिक्स एम एम पिच कितना बोला है नाइनटी सिक्स एम एम अभी ये क्या है इसका मतलब क्या हो गया आपका सिलेंडर का लेंथ जो है वो टोटल कितना रहेगा वन जीरो सिक्स रहेगा लेकिन आपका पिच मतलब क्या उसने रिवोल्यूशन स्टार्ट करना शुरू किया और ये वो कितना कितने डिस्टेंस में खत्म हो गया 96 सिक्स एम एम में ही उसका पहला कन्वोल्यूशन कम्प्लीट हो गया वन रिवोल्यूशन कंप्लीट हो गया इसलिए हमारा सिलेंडर का हाइट अगर वन है फिर भी हमारा पिच कितना आ रहा है सिर्फ नाइन्टी ही आ रहा है क्लियर है सबको तो हम आ, इस प्रॉब्लम में अभी पिच अलग है हाइट अलग है हाइट बड़ा है पिच छोटा है अगर पिच मेंशन नहीं किया है आपको यहाँ पे अगर ये लास्ट वाला वर्ड नहीं होता तो हम क्या करते सिलेंडर की हाइट को ही पिच एजूम कर लेते यहां से शुरू करते ऊपर तक पहुंच जाते जैसे ये सिलेंडर मैंने दिखाया था तो इसमें क्या है सिलेंडर का हाइट और पिच दोनों क्या है सेम ही है तो ये सर्कल का एक्सिस रहेगा टॉप यू का एक्सिस और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आएगी उसको परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइन कैसे ड्रा करते हैं यूजिंग सेट स्क्वायर मैंने बताया है ये लाइन को परपेंडिकुलर होना चाहिए परपेंडिकुलर पेंडिकुलर अगर सही रहेंगी तो आपका ड्राइंग अच्छा आएगा परपेंडिकुलर पेंडिकुलर लाइन्स को गलत करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा तो यहाँ से मैंने वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर लिया फाइन फिर मुझे एक सेंटर मिल गया सर्कल का अभी इसको यहाँ पे क्या करना है ट्वेंटी फाइव एम अ सेंटर ड्रॉ ए सर्कल नोट इज नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कंप्लीट अ सिलेंडर हियर ऊपर क्या करना है सिलेंडर कंप्लीट करना है तो उसके लिए क्या करते हैं हम अंदाजन इसके जहां पे सर्कल जहां पे सर्कल खत्म हुआ है उसके दस एम एम ऊपर एक हॉरिजेंटल लाइन पहले लगा लो हॉरिजेंटल मैं जब बोल रहा हूं मतलब एक्सिस को परपेंडिकुलर तो सेट क्यूर यूज करके उसको परपेंडिकुलर बनाना है सेट सेट्स कैसे रखोगे इस तरह से रखोगे तो मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन बना लिया अब इसके ऊपर क्या करना है इस सर्कल के ये दोनों साइड जो है मुझे प्रोजेक्ट कर लेनी है ऊपर सो दैट मेरा सिलेंडर का जो रेक्टेंगल का जो शेप है यहां से मिल जाएगा मुझे तो इस पॉइंट को ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट करो इस पॉइंट को ऊपर वर्टिकली प्रोजेक्ट करो प्रोजेक्शन लाइन जो होती है वो थीन होती है डार्क नहीं ड्रॉ करना है तो इस तरह से मैंने क्या किया सिलेंडर को हाइट में प्रोजेक्ट कर लिया ऊपर तो इस तरह से मुझे सिलेंडर का दोनों साइड के जनरेटर मिल गए ठीक है अब मुझे क्या करना है सिलेंडर का हाइट मार्क करना है सिलेंडर का टोटल हाइट कितना है वन जीरो सिक्स है मैम mm. तो यहां से मैं वन जीरो सिक्स मेजर करूंगा और एक हॉरिजेंटल लाइन लगाऊंगा अब ये जो लाइन है आप डार्क कर सकते हो क्योंकि अब फाइनल सिलेंडर का हाइट ड्रॉ कर रहे हैं हम उसके बाद क्या करना है जितना हमारे रेक्टेंगल मिला है उसको डार्क कर लेना है जो फाइनल शेप ऑफ द रेक्टेंगल जो है उसको डार्क करो जैसे मैंने यहां पे ब्लू दिखाया है इसका मतलब आपको डार्क करना है फाइन अभी ये क्या मिला हमें हाइट मिला है तो उसको उसका डायमेंशनिंग कर लो पहले सिलेंडर हाइट 106 mm. अभी हमें क्या करना है सर्कल और रेक्टेंगल इन्हें हमें बारह इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है सर्कल को बारह इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे मतलब यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करके कितने हिस्से हो जाएंगे सर्कल के बारह हिस्से हो जाएंगे सर्कल कितना होता है थ्री डिग्री का होता है बारह हिस्से मतलब कितने थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई ट्वेल्व सो हाउ मच डिग्रीज थर्टी डिग्री तो एक हिस्सा कितना रहेगा थर्टी डिग्री का रहेगा ये मेथड यूज करो और थर्टी डिग्री के मार्क्स लगाओ देखो इस तरह से ये सिलेंडर का सेंटर है तो अपना प्रोटेक्टर इस तरह से रखना है थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री थर्टी डिग्री सिक्सटी डिग्री ये कितने मार्क्स किए मैंने चार मार्क्स किए इसको सेंटर से ज्वाइन करो और दूसरी साइड पे एक्सटेंड करो इसको सेंटर से ज्वाइन करो दूसरी साइड पे एक्सटेंड करो इसको सेंटर से ज्वाइन करो दूसरी साइड पे एक्सटेंड करो इसको सेंटर से ज्वाइन करो दूसरी साइड पे एक्सटेंड करो अपने आप अपना सर्कल कितने हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा ये मेथड यूज करके थर्टी डिग्री की मेथड यूज़ करके भी आप सर्कल को बारह हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो ये पहला मेथड हो गया ठीक है ये आसान लगा तो ठीक नहीं तो दूसरा क्या करना है कंपास में रेडियस को लेना है किसी भी एक कॉर्नर से एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है सर्कल इस पॉइंट से मैंने शुरू किया और इसको सर्कम फ्रंस पे यहाँ पे एक आर्क मार्क करना है दिख गया उसी तरह से उसी सेंटर को यूज करके दूसरी साइड पे भी आर्क मार्क करना है हो गया यहां तक दो पॉइंट्स मिल गए अब अगले वाले कॉर्नर के ऊपर मूव हो जाओ अगले वाले कॉर्नर को यूज करो और दोनों साइड पे दो मार्क्स कर लो एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा हो गया अब अगले वाले पॉइंट के ऊपर मूव करो और दोनों साइड पे मार्क करो एक इधर आ गया एक इधर आ गया अभी इसमें दो मार्क्स और करने बाकी है ये वाला बाकी है ये वाला बाकी है लेकिन इतना सफिशियंट है क्योंकि ये पॉइंट जब मैं एक्सटेंड करूंगा तो इधर जाता है ये पॉइंट एक्सटेंड करूंगा तो इधर जाता है तो ये मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाता है इस लाइन को एक्सटेंड करूंगा तो इधर पहुंचेगा तो ये मार्क्स भी ऑटोमेटिक मिल जाता है तो अभी इतने आर्क सफिशियंट हो जाते हैं ठीक है आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी क्या करना है इन सारे पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करना है सारे डायमीटर्स को ड्रॉ कर लो अभी इन सारे पॉइंट्स से तो ऑटोमेटिक एटोमेटिक बारह हिस्से हो जाएंगे सर्कल के मैं तो आप मैंने 30 -60 थर्टी सिक्सटी का मेथड बताया जैसे अभी देखो मैं थर्टी डिग्री एंगल सेट कर रहा हूं तो ये थर्टी डिग्री की लाइन भी सेंटर से पास करूंगा मैं तो भी मुझे वही मिलने वाला है तो मैंने थर्टी डिग्री से लाइन को सेंटर से पास करवाया दोनों साइड पर एक्सटेंड करवाया तो मुझे दो हिस्से मिल गए अब मैं क्या करूंगा सिक्सटी डिग्री लाइन लूंगा सिक्सटी डिग्री लाइन को भी सेंटर से पास करूंगा दोनों साइड पे एक्सटेंड करूंगा और दो हिस्से मिल जाएंगे इसी तरह से इधर से थर्टी और सिक्सटी करोगे तो बाकी बचा हुआ काम हो जाएगा तो ये थर्टी डिग्री लाइन और फिर सिक्सटी डिग्री लाइन इस तरह से मुझे ट्वेल्व पार्ट्स मिल चुके हैं अब इसके बाद क्या करना है हमारा जो पिच रहेगा उसको भी ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड करना है तो अभी मुझे बताओ हमने जो ड्रॉ किया ये पिच है क्या नहीं ये क्या है सिलेंडर हाइट है पिच कितना है 96 सिक्स एम एम तो मैं सेंटर से 96 सिक्स mm एमएम के ऊपर मैंने क्या किया? 96 mm के एक लाइन ड्रॉ करूंगा? करूंगा अब मेरा करवेचर जो है, कर है यहां से स्टार्ट होके यहां तक ही पहुंचना चाहिए पूरा सिलेंडर तक नहीं जाएगा क्योंकि पिच मेरा इतना ही है सो दिस इज पिच आई कैन शो इट उसका डायमेंशन दिखा दो लगे तो अब हमें क्या करना है इस पिच को भी बारह हिस्सों में डिवाइड करना है पिच को क्या करना है ट्वेल्व हिस्सों में हमेशा पिच को डिवाइड करना है याद रखो गलती क्या हो जाती है बहुत बार न्यूमेरिकल हम पूरा पढ़ते नहीं है सिलेंडर के टोटल हाइट को ही हम बारह हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं तो आपको क्या करना है हमेशा पिच को ट्वेल्व हिस्सों में डिवाइड करना है तो पिच अगर दिया नहीं है तो फिर सिलेंडर का हाइट लेना है नाइनटी सिक्स डिवाइड बाई ट्वेल्व कितना आता है एट एम एम आएगा सो तो हर आठ एम एम के ऊपर आपको मार्क्स लगाने हैं तो आपके बारह हिस्से ऑटोमेटिक बन जाएंगे सो एट एवरी एट एम एम पिच डिवाइड बाई ट्वेल्व मार्क so 12 पॉइंट्स एट एवरी 8 एम mm. इस तरह से मैंने 12 पॉइंट्स को मार्क कर लिया इन 12 पॉइंट्स में हमें क्या करना है हॉरिजेंटल लाइन पास करना है जैसे मैंने ऊपर वाला किया है हॉरिजेंटल मतलब क्या एक्सिस को परपेंडिकुलर सेट स्क्वेयर को इस तरह से सेट करना है ओके सो आई हैव मेड ट्वेल्व पार्ट्स ऑफ ए पिच अभी हमें नंबरिंग करना है देखो पहला स्टेप मैं फिर से बताता हूँ पहला स्टेप क्या करना है ये सेंटर पॉइंट को मार्क करना है एक वर्टिकल एक्सिस एक ऑरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ करना है वहां से ट्वेंटी फाइव एम रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है फिर इन पॉइंट्स को ऊपर प्रोजेक्ट करके सिलेंडर हाइट मार्क करके रेक्टेंगल बनाना है फिर पिच को मार्क करके रखना है वहां से एक ऑरिजेंटल लाइन का लगा के रखना है फिर सर्कल को बारह हिस्सों में डिवाइड करो पिच को बारह हिस्सों में डिवाइड करो हो गया यहाँ तक

इस पॉइंटर से क्या करना है उन पॉइंट्स को पेज में पिन करना है सो so दैट वो पॉइंट्स आप जब चाहो मिल जाए अभी इसी तरह से क्या करना है इन लाइंस को भी नंबरिंग करना है तो बॉटम से शुरू करना है सबसे बॉटम जो रहेगा वो पॉइंट नंबर वन आएगा लाइन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एक लाइन बचेगा वो आपका फिर से वन रहेगा ये वन तो ये भी फिर से वन हो जाएगा देखो जैसे यहाँ से फिर से वन आया उसी तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट ट्वेल्व फिर से वन इट अभी हमें क्या है? One करना है वन को प्रोजेक्ट करना है वन के लाइन तक इस पॉइंट नंबर वन को प्रोजेक्ट करना है वन के हॉरिजेंटल लाइन तक तो वही पॉइंट आएगा टू को जब प्रोजेक्ट करूंगा मैं देखो अभी ठीक से ऑब्जर्व करो मैं क्या कर रहा हूं टू को जब प्रोजेक्ट करूंगा टू और ट्वेल्व वर्टिकली एक ही लाइन पे आएंगे यू कैन चेक इट तो दो को प्रोजेक्ट करना मतलब बारह को प्रोजेक्ट करना तो मैं सिंप्लीफिट दिखने के लिए अच्छा दिखेगा तो मैं दो को ही प्रोजेक्ट करता हूँ तो दो को जब मैं प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली अपवर्ड तो उसे दो के लाइन तक प्रोजेक्ट करूंगा एक पॉइंट मिलेगा अभी वैसे तो दो का काम का हो चुका है लेकिन हमें कौन चाहिए बारह का भी लाइन चाहिए तो ये लाइन बारह का भी है तो ये लाइन ऊपर जाके बारह को भी कट करेगा तो यहाँ से इसको वर्टिकली अपवर्ड भेजना है कहा तक बारह के लाइन तक तो मतलब यहाँ पे दो और बारह है तो इधर भी दो और बारह के दो पॉइंट्स मिल गए मुझे सिमिलर प्रोसेस करना है ग्यारह और तीन तीन को तीन तक प्रोजेक्ट करेंगे ग्यारह को ग्यारह तक प्रोजेक्ट करेंगे दस और चार ये तो वर्टिकल ऑलरेडी एक्सिस ही है तो चार नंबर का है ये वाला पॉइंट और दस नंबर का है ये वाला पॉइंट फिर पांच और नौ पांच और नौ फिर आठ और छठ और छ एंड देन सात फाइनली यहां पे आए तो इस तरह से पॉइंट्स मिल जाएंगे उनको ज्वाइन करेंगे करो मेरे साथ नाउ आई विल डू इट टू द स्केल तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है मतलब ये वाले हॉरिजेंटल एक्सिस को परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन भेजना है तक पहुंचूंगा हो गया देखो बारह और दो एक ही लाइन पे तो दो नंबर तक पहुंचा बारह नंबर तक पहुंचा तो मुझे दो पॉइंट मिल गए ये एक नंबर तो यहां मिल चुका है फिर ये दो नंबर का भी पॉइंट मिल गया दो और दो बारह और बारह दो पॉइंट मिल गए हमें एक का पॉइंट यहां पे एक मिला है ऊपर भी एक मिला है ठीक है सिमिलरली अभी क्या करेंगे ग्यारह और तीन को प्रोजेक्ट करेंगे ग्यारह को उठाया तीन को उठाया तीन तक पहुंचा तो एक पॉइंट मिलेगा और ग्यारह तक पहुंचूंगा तो दूसरा पॉइंट मिलेगा तो तीन के लिए एक पॉइंट मिल गया और ग्यारह के लिए एक पॉइंट मिल गया अब क्या है दस और चार ऑलरेडी वर्टिकल लाइन है मेरे पास तो ये चार नंबर चार तक पहुंचाओ तो ये लाइन मिल जाएगा ये पॉइंट मिल जाएगा तो ये चार नंबर हो गया और दस को दस तक लेके जाओ ये दस तक आ गया तो ये पॉइंट मिल गया आगे कौन है नौ और पांच एक साथ आगे जाए ऊपर ऊपर जाएंगे को को और पाँच को उठाया लेके गया पहले कौन आएगा पाँच आएगा बाद में कौन आएगा नो आएगा तो पांच को मार्क कर लिया नो को मार्क कर लिया हो गया यहां तक डू इट विथ मी नाउ यू कैन नोटिस कर तैयार होने लग गया है ठीक है अब क्या बचेगा आठ और छे को पहुंचाना है उसकी मंजिल तक तो आठ को उठाया और छ को उठाया छह वाले को छह तक पहुंचा दिया आठ वाले को आठ तक पहुंचा दिया छे को भी अपना वजूद मिल चुका है आठ को भी अपना वजूद मिल चुका है अब कौन बचा है भाई अकेला सात नंबर सात नंबर ऑलरेडी कहां पे है सबसे बाहर वाला पॉइंट है तो वो वर्टिकल लाइन पे ही रहेगा जो कि इस सात नंबर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह आपका सबसे बाहर वाला पॉइंट सात नंबर आ गया ठीक है नंबरिंग करने का आप कर सकते हो पी वन पी टू पी थ्री लाइक दैट ओके एंड नाउ यू ऑर टू ड्रॉइंग धिस कर स्मूथ कर यूजिंग फ्रेंच कर आपको हेलिक्स मिल जाएगा उसमें क्या है अगर मैं सामने से देखूंगा तो ये सामने वाला कर जो है वो मुझे डार्क दिखेगा दिखेगा पूरा और इसके पीछे आने वाला कर जो है वो मुझे दिखेगा नहीं तो उसको मैं हिडन लाइन से ड्रॉ करता हूं हिडन लाइन क्या होता है देखो या आप यहां से ये जो यहां तक का कवर है सात नंबर पॉइंट तक आपको दिख रहा है लाइन ये कवर दिख रहा है तो इसको मैं डार्क ड्रॉ करूंगा मतलब दिखेगा मुझे आंखों को पीछे वाला कॉर इधर है लेकिन मुझे सामने से नहीं दिख रहा है फ्रंट व्यू में नहीं दिख रहा है तो उसे बोलते हैं हिडन हिडन लाइन 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 हमें डॉटेड से ड्रॉ करना होता है इसे बोलते हैं डैश लाइन ये यूज किया जाता है जो भी ऑब्जेक्ट हिडन है उनको दिखाने के लिए और ये हमारा नॉर्मल लाइन ठीक लाइन जो रहेगा वो हमें विजिबल लाइन को दिखाने के लिए ड्रॉ करते हैं पीछे वाला जो रहेगा वो हिडन लाइन होने की वजह से उसे क्या करेंगे डॉटेड करेंगे यहाँ पे किया था देखो यहाँ पे मैंने किया था देखो ये डॉटेड है ना डैश लाइन बोलते हैं उसको तो ये डैश लाइन से उसको कंप्लीट करना है आधे को सो नाउ ज्वाइन विद अ स्मूथ लाइन सो यहां से शुरू करना है डार्क नीचे आएगा ऊपर डैश हो जाएगा हो गया एंड देन यू हैव टू नेम यू कैन शो द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल टॉप यू ऑफ द सिलेंडर हमने हाइट और पिच ऑलरेडी दिखा के रखा है सो इन दिस वे डायमेंशनिंग कंप्लीट हो गया नॉमिकलेचर कंप्लीट हो गया दैट इज हाउ वी ड्रॉ ऑफ हेलिक्सॉफे सिलेंडर इसमें क्या वेरिएशन हो सकता है आपको ये पिच देंगे नहीं तो उस केस में आपका सिलेंडर ये पे खत्म हो जाएगा तो सिलेंडर हाइट एंड पिच हाइट विल बी सेम तो आपको उस केस में क्या करना है सिलेंडर हाइट को ही बारह में डिवाइड करना है क्वेश्चन है डायमीटर so mm. कितना दिया है 60 एम mm दिया है रेडियस 30 एम mm हो जाएगा एंड एक्सिस हाइट एच दिया है 80 एम एम दिस एज होमवर्क अभी इसमें क्या है हाइट और पिच एक ही रहेगा क्योंकि डाय पिच अलग से दिया नहीं है तो हम यहाँ सिलेंडर हाइट को ही पिच एजून करेंगे और सिलेंडर हाइट को ही में डिवाइड करेंगे सर्कल को बारह हिस्सों में डिवाइड करेंगे नंबरिंग करेंगे को प्रोजेक्ट करेंगे करेंगे और फाइनली ठीक है इसको होमवर्क को कम्प्लीट करो नाउ विल गो फॉर दिल्स ऑफ ए कॉन नाउ लेटर सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ दी पाथ ट्रेस्ड बाय ए पॉइंट इनिशियली एट द एपेक्स ऑफ ए कॉन अभी कौन बोला है उसके एपेक्स पे एक पॉइंट है कर का नाम बोला नहीं है तो आपको पहचानना पड़ेगा रीड करके भाई एक कोन ले लो उसके एपेक्स के ऊपर एक पॉइंट है उसका नाम क्या है पी है जिस कोन का बेस कितना है सेवन एम एम का डायमीटर है बेस सेवेंटी फाइव एम एम एंड एटी फोर एम एम एक्सिस हाइट एक्सिस हाइट वर्टिकल हाइट कितनी है यहां से यहां तक वर्टिकल डिस्टेंस एटी फोर एम एम मूव अराउंड एंड द दी ऑफ द बेस इन वन रिवोल्यूशन यूनिफॉर्मली अब ये पॉइंट बोला इस पॉइंट के बारे में बात हो रही थी ना बोल रहा है कि ये पॉइंट है इस इसके के उपर, इसके के के ऊपर ऊपर सरफेस मूव हो रहा है ऐसे नीचे नहीं जा रहा है सीधा नहीं जा रहा है कैसे बोल रहा है मूव अराउंड अराउंड सरफेस सरफेस बोला है मूव मूव द और करते करते नीचे तक पहुंच रहा है बेस के पॉइंट तक मतलब उसका पिच कितना रहेगा एक ए, और ये सब कुछ कहा कर रहा है वो वन रिवोल्यूशन में कर रहा है मतलब पिच कितना रहेगा जितना उसका एक्सिस साइड है वही उसका पिच हो गया ठीक है तो बोल रहा है कि भाई इसका पिच और डायमीटर लिख के रखना है डायमीटर कितना है सेवनटी एम एम मतलब रेडियस कितना हो जाएगा थर्टी फाइव एम और पिच दैट इज एक्सिस हाइट दोनों सेम ही रहेगा जो कि कितना है एटी फोर एम तो इस टाइप का आपको क्या करना है कौन तैयार करना है तो फ्रंट फ्रंटियो कौन का क्या आता है ट्राइंगल आता है ट्राइंगल में हाइट कितना रहेगा 84 रहेगा और ये सर्कल जो रहेगा उसका डायमीटर कितना आएगा 70 मतलब रेडियस कितना रहेगा 35 इस तरह से आपको टॉप यू और फ्रंट यू को पहले ड्रॉ करना है इसके लिए क्या लगेगा ये पॉइंट लगेगा उसमें से हमें एक ऑरिजेंटल एक्सिस चाहिए और एक वहां से एक वर्टिकल एक्सिस चाहिए तो चलो शुरू करते हैं मैं अभी क्या करूंगा मतलब थर्टी फाइव mm नीचे से एक पॉइंट लूंगा वहां पर एक ऑरिजेंटल एक्सिस ड्रॉ करूंगा यहाँ पे करिए मेरे साथ सिलेंडर का सेंटर मिल गया सर्कल का सेंटर मिल चुका है अब 35 फाइव एम रेडियस कंपास में लेंगे और सर्कल कंस्ट्रक्ट करेंगे 35 फाइव एम कंपास में लिया और एक सर्कल ड्रॉ करूंगा ओके एंड देन व्हाट वी डू यहां से एक दस एमएम छोड़ के ऑरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं हम तो यहां से मैंने एक बेस के लिए ऑरिजेंटल लाइन तैयार कर लिया अब क्या करते हैं इस पॉइंट को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे इस पॉइंट को ऊपर करेंगे इस बार वर्टिकली ऊपर तक जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें कौन बनाना है तो सिर्फ हमें ये दो पॉइंट चाहिए तो इसको यहां से यहां से इट डूइट so इस तरह से बेस के एक्सट्रीम पॉइंट्स मैंने फाइंड कर लिए अब मुझे बेस मिल चुका है सेवन टी mm का बेस

ये वो साइड वाला जनरेटर भी हो गया सो इन दिस वे वी हैव फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ द कोन अभी हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं सर्कल को ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड करो और पिच को ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड करो ठीक है सर्कल को ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड करने की क्या प्रोसेस बोली मैंने थर्टी सिक्सटी थर्टी सिक्सटी इस तरह से कर सकते हो या कंपास में रेडियस लेके आर्क मार्क करके भी कर सकते हो तो मैं थर्टी सिक्सटी से कर रहा हूं सो so, इस तरह से हमने उसको बारह हिस्सों में डिवाइड कर लिया अब हमें क्या करना है पिच को भी बारह हिस्सों में डिवाइड करना है पिच मतलब वर्टिकल लाइन तो वर्टिकल लाइन कितने का है पिच डिवाइड बाय ट्वेल्व कितना सेवन एम एम तो हर सात एमएम mm पे ऊपर मार्क करो मार्क एट एवरी सेवन एमएम अभी हमें इन बारह हिस्सों में से ऑरिजेंटल लाइन्स को ड्रॉ करना है दीज ऑरिजेंटल लाइन्स मस्ट बी परपेंडिकुलर टू तो एक्सिस फाइन अब हम क्या करेंगे नंबरिंग करेंगे नंबरिंग को क्या बोला है मैंने सर्कल से शुरू करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग करना है सो दिस वुड बी फर्स्ट नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन दस ग्यारह और बारह इस तरह से हमने नंबरिंग ट्वेल्व कंप्लीट कर लेना है अभी हमें इन लाइन्स को नंबरिंग करना है अब लाइन्स को नंबरिंग करते टाइम पे हमें क्वेश्चन की तरफ देखना पड़ेगा एक बार क्या देखो ये बोल रहा है कि भाई पॉइंट कहाँ से स्टार्ट कर रहा है बेस से स्टार्ट कर रहा है या ऊपर से स्टार्ट कर रहा है क्या बोला है पॉइंट पी इनिशियली एट एंड रीचेस बेस बेस बाद में की तरफ पहुंच रहा है मतलब पॉइंट पी ऊपर से शुरू कर रहा है तो हमें लाइंस की नंबरिंग भी ऊपर से शुरू करनी पड़ेगी ठीक है अगर ऐसा कुछ बोला नहीं है तो आप नंबरिंग नीचे से शुरू कर सकते हो अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि पॉइंट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो ऊपर से नंबरिंग शुरू करो तो एपेक्स को आएगा नंबर वन दो नंबर वाली लाइन तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और फिर से नंबर वन इसको भूल जाते हो बॉटम में क्या आएगा सबसे फिर से नंबर वन आएगा अब हमें क्या करना है अब अब तक हमने क्या, क्या? इसको किया इसको डायरेक्टली वर्टिकली स्ट्रेट प्रोजेक्ट किया क्योंकि सिलेंडर का जनरेटर जो होता है वो वर्टिकल होता है लेकिन अब कौन का जनरेटर जो है वो इंक्लाइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा बारह नंबर और दो नंबर को यहां तक वर्टिकली प्रोजेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से देखो ट्वेल्व नंबर और दो नंबर को वर्टिकली मैं यहां तक प्रोजेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को एपेक्स के साथ ज्वाइन करूंगा इस तरह से फिर 11 और 3 को वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा और इस पॉइंट को एपेक्स के साथ ज्वाइन करूंगा 10 और 4 तो ऑलरेडी एपेक्स को ज्वाइन है 9 और 5 को यहां तक वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा बेस तक और वहां से एपेक्स को करूंगा और सिमिलरली 8 और 6 वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा और उसको वहां से एपेक्स को ज्वाइन करूंगा एंड देन में नंबर लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढूंगा ठीक है यही फर्क है सिलेंडर और कोन में बाकी तो सेम ही था सो लेट्स डू इट डू इट विथ मी मैं क्या करूंगा अभी नंबर टू और बारह को वर्टिकली प्रोजेक्ट करूंगा तो पहले आप क्या करो सारे वर्टिकल प्रोजेक्शन का काम कंप्लीट कर लो तो मैं नंबर ट्वेल्व टू और बारह को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा हूं फिर ग्यारह और तीन को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा हूं चार ऑलरेडी है पांच और नौ को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा हूं आठ और छे को वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा हूं और सात तो ऑलरेडी है अब इन पॉइंट्स को क्या करना है एपेक्स के साथ ज्वाइन करना है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट तो अभी ठीक से नंबर्स को देख के उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को ढूंढना है कैसे देखो क्या करूंगा दो नंबर को चेक करूंगा दो नंबर वाली वर्टिकल लाइन ये वाली होगी और दो नंबर के पॉइंट तक मतलब यहां तक पहुंचूंगा फिर तीन नंबर को या बारह नंबर का भी काम कंप्लीट कर लो तो ये नीचे बारह है फिर तीन और ग्यारह ग्यारह यहां मिल गया तीन ऊपर मिलेगा पॉइंट्स को पिन करो चार और दस चार का ऊपर है, है दस का आप है नीचे है फिर पांच और नौ नौ नीचे रहेगा पांच ऊपर रहेगा फिर छह और आठ आठ नीचे है छह ऊपर रहेगा फिर सात लास्ट वाला वो बार वाले जनरेटर पर रहेगा इन दिस वे वीव गट ऑल दी पॉइंट यू कैन नोटिस नाउ हमें हेलिक्स दिख रहा है अभी अभी इसको क्या करना है सिर्फ स्मूथ कर से ज्वाइन करना है अब हमें क्या करना है ऊपर से स्टार्ट किया है तो हमें ऊपर को डार्क ज्वाइन करेंगे और नीचे वाले को फिर क्या करेंगे बैक साइड में दिखाएंगे इसलिए वो क्या हो जाएगा डैश लाइन से आएगा तो so, मैं ऊपर से शुरू करता हूँ यहां तक डार्क आएगा और फिर नीचे क्या हो जाएगा डैश लाइन से ड्रा होगा तो इसका क्या मतलब है ये आगे से आया और फिर पीछे चला गया

तो प्लीज सब्सक्राइब इट और वीडियो को लाइक भी कीजिए आपके सजेशन्स कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए आपके सवाल रहेंगे तो भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा ठीक है सो इन नेक्स्ट लेक्चर विल सी द नेक्स्ट कर टिल देन टेक केयर सी यू बाय बाय